गोलघर से ऊंचाई इसकी अधिक है। गोलघर की ऊंचाई 95 फीट है और इसकी ऊंचाई 100 फीट है। और वीडियो में पता नहीं कैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखने के बाद बहुत शानदार लग रहा है। इतना शानदार है ना कहिए मत। अलग अलग देवी देवताओं के फोटो भी यहाँ पर बनाया गया है और बहुत ही मस्त जबरदस्त लग रहा है एकदम कहिए मत। भीड़ जुटी हुई है इसे देखने, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मंदिर मतलब भगवानों देवताओं से पूरा मतलब अब क्या कहें, पूरा सजाया गया है। हर एक देवी देवताओं का यहाँ पर फोटो मिल जाएगा। नरसिंह भगवान, शिव जी, विष्णु जी, हनुमान जी, सारे भगवान की तस्वीर यहाँ पर लगी। पूरा यहाँ पे भीड़ लगा है जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे पूरी जनसंख्या में, और ऊपर भी कुछ लोग खड़े हैं। और यहाँ पे डिजिटल यहाँ पे कुछ शो चलेगा नाइट में, और दिखा सकते हैं यहाँ पे पूरा मंदिर पूरा मतलब VIP लग रहा है। आप लोग भी आइए, एक बात है कि आप लोग आइए यहाँ पे देख लीजिए। और मीनाक्षी मंदिर इतवारपुर है, पटना से 10 रुपये लगता है स्टेशन से। आइए और यहाँ पर घूम कर, पटना जंक्शन से बहुत ही नज़दीक है और इतवारपुर जगह है, गया वाला रूट में बहुत ही मस्त है। बगल में ही रेलवे ट्रैक है यहाँ पर, और डर भी लग रहा है लोगों को, कहे कि रेलवे ट्रैक पर इतना भीड़ हो गया है कि कहिए मत इसको देखने के लिए। और बार बार ट्रेन आ रही है जा रही है, तो ऐसा वहाँ पे पुलिसकर्मी लोग हैं, वहाँ पे सुरक्षा बल, तो वहाँ पे पुलिस तैनात है लोगों को हटाने के लिए स्पेशल। इतना भीड़ आगे लगा हुआ है, कहे कि उस पर से इस पर से इसका व्यू बहुत अच्छा आता है। तो चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं मंदिर को, और संभव हो तो किसी से बात भी कराते हैं, लोगों से बात भी कराते हैं कैसा है मंदिर। तो आप लोग देख लीजिए, और इस मंदिर के लिए लाइटिंग की व्यवस्था करी हुई है। आप देख सकते हैं कि कितना लाइट लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर भी, और यही मंदिर है, ठीक है। तो चलिए हम आगे से आपको दिखाते हैं इस मंदिर को, और देख लीजिए यहाँ पर भीड़ लगी हुई है पूरी, और ये पूरा सड़क जाम हो जा रहा है देखने के लिए, ठीक है। ये पूरा सड़क जाम हो जा रहा है यहाँ पर, आसपास खड़े लोग खड़े हैं इस मंदिर को देखने के लिए। दोस्तों आप लोग देख लीजिए, और ये साउथ इंडियन तमिलनाडु का, जो साउथ इंडिया का तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर है, और वहाँ पर देख लीजिए एकदम साउथ इंडिया का पूरा कल्चर पटना में ला करके रख दिया गया, पटना बिहार में, और बहुत ही मस्त लग रहा है एकदम, कहीं कहने नहीं है, गर्दा एकदम है। और कितना खूबसूरत है साउथ इंडियन कल्चर, आप लोग देख सकते हैं एकदम कितना मस्त मंदिर वहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर जब अभी ऐसा है तो वहाँ पर किस तरह से मंदिर दिखता होगा, तो क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट करिए। मीनाक्षी मंदिर है इतवारपुर। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यही वो मंदिर है जो सिपारा में बनाया गया है, जो बिहार का सबसे ऊँचा मंदिर है, और देख लीजिए इसका सबसे ऊपरी सिरा कहाँ पर है। और यहाँ पर कई फ्लोर एक तरह से बनाए गए हैं, और इसके ऊपर देख लीजिए देवी देवताओं की तस्वीर लगी हुई है, अलग अलग देवताओं के, नरसिंह भगवान, गणेश भगवान, शंकर जी, पार्वती जी, सभी देवताओं की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है, फोम से बनाई गई है। और देख सकते हैं मंदिर का ये मेन दरवाज़ा है जो फूलमाला से सजाया गया है, और आसपास भीड़ देख लीजिए एकदम जाम हो जा रहा है इस चीज़ को देखने के लिए, तो बहुत ही शानदार बनाया गया है, ये बहुत ही शानदार है, यहाँ पर प्रतिमा बनाई गई है। फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, और पूरा धक्का मुक्की चल रहा है फोटो खिंचवाने के लिए, लोगों की लाइन ख़त्म नहीं हो रही है एकदम, बहुत ही खूबसूरत अंदर से भी बना है। तो दोस्तों अभी हम लोग आए हैं पटना के मीनाक्षी मंदिर में, और मीनाक्षी मंदिर का जैसा पंडाल है जो इतवारपुर में, वहाँ पर आए हैं, और हम यहाँ पर चलिए लोगों से बात करते हैं। नमस्कार भैया। हाँ, मेरा नाम है ऋषभ कुमार, मैं अनिसाबाद के इलाके से आया हूँ। मैंने न्यूज़ में देखा कि इतवारपुर का इस बार सेकंड भी इस बार टॉप करने वाला, यहाँ पे भीड़ भाड़ भी बहुत है। मैं कैसे कैसे करके मैं इस भीड़ में मैं आया हूँ मैं ही जानता हूँ। पंडाल तो पूरा झकास है, क्या बताऊँ मैं। और यहाँ पर मंदिर जो दुर्गा जी का बनाया गया है मूर्ति, वो हाँ बहुत अच्छा मूर्ति है, हाइट भी इसका अच्छा भी है, और बगल में इधर का जनता भी आप देख सकते हैं कितना जनता इधर देखने आया है, बहुत है। सोच सकते आप कितना बड़ा पंडाल हुआ, कितना जनता आया इधर देखना, वो तो सही है। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिशु है। कहाँ से आए आप? हम अनिसाबाद से आए। कैसा लगा आपको पंडाल? बहुत अच्छा है, यहाँ का माहौल भी अच्छा है, पंडाल भी अच्छा है। और मूर्ति कैसा लगा यहाँ?
मूर्ति भी अच्छा है, सबसे तो अच्छा है यहाँ पर। कैसे पता लगा था आपको यहाँ पे? तो हम पेपर में भी देखे थे, पापा बोले कि यहाँ पे पेपर में दिया हुआ है तो जाओ, तो हम सब आए टेम्पू से और ईसा भी के साथ आए। आना ठीक हुआ ना? हाँ मजा आ रहा है। हाँ चलिए ठीक है। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? साहिल कुमार। साहिल कुमार कहाँ से आए हैं आप? अनिसाबाद से। कैसा लगा आपको पंडाल? बहुत अच्छा, एक नंबर अच्छा लगा पंडाल। मूर्ति कैसा अंदर? मूर्ति भी बहुत अच्छी है, जिस कारीगर। सजावट और लाइटिंग एक नंबर दम बढ़िया है। जितने लोग आप लोग हैं? चार लोग। नमस्कार भैया। प्रणाम सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर कुमार है। कहाँ से आए आप? हम अनिसाबाद हनी चक से आए हैं। सब लोग एक ही जगह से? हाँ सब दोस्ती हैं। दोस्ती हैं। हाँ क्या, और क्या कैसा लगा ये पंडाल आपको? पंडाल तो अच्छा है, यहीं पर आपको मीनाक्षी टेंपल देखने को मिल रहा है। हाँ वो तो है, तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर जो आपको पटना में देखने को मिल रहा है। आपको साउथ कल्चर पूरा देखने को मिल रहा है। यहाँ का लाइटिंग पूरा अच्छा भी है, पूरा पंडाल चमक रहा है। मूर्ति वगैरह सब? हाँ पूरा अच्छा है, बढ़िया है। तो हमने वीडियो बना लिया है और अब चलते हैं घर। और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करो उसे बताइए, और बने रहिएगा हमारे साथ और भी बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये पंडाल आप कमेंट करो उसे बताइए, कैसा लगा हमारा वीडियो, कैसा लगा हमारा प्रयास कमेंट करो उसे बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।